और वह प्यार, पैसा, करियर, रिश्ते, खुशी और शांति के मामले में लोगों की मदद करती है। उनकी विशेषज्ञता कॉफी कप रीडिंग, आई चिंग, ड्राइंग एनालिसिस, वाइन रीडिंग, रून रीडिंग, इमोशनल वेलनेस कोच, सिग्नेचर एनालिसिस, ड्रीम इंटरप्रिटेशन और बहुत कुछ है। उन्होंने कॉस्मोपॉलिटन, फेमिना, ग्रासिया आदि कई लेखों में छापा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस शो में। मैं हूँ सुष्मिता सिंह। रिश्ते इंसानी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पहलू होता है। रिश्ते बनाना हमारे लिए जितना आसान होता है, रिश्ते निभाना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब बात लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की हो, यानी लंबी दूरी के रिश्तों की। क्योंकि लंबी दूरी के रिश्ते होते हैं तो इनकी अपनी चुनौतियां होती हैं और प्यार आपसी समझ का कहीं ना कहीं ये एक इम्तिहान के रूप में हमारे सामने आता है। क्या है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यानी लंबी दूरी के रिश्ते और किस तरीके से आपको इन्हें बचा कर रखना है, इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे आपका परिचय कराते हैं। शीतल शपारिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं रिश्तों के बारे में और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसे आपको संभाल के रखनी है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस वंडरफुल शो। थैंक यू। हम जैसे कि आज बात कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की, लंबी दूरी के रिश्तों की, तो सबसे पहले उन व्यूअर्स के लिए जो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते नहीं है, क्या है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये है जब आपका पार्टनर इज नॉट इन द सेम सिटी, या तो वो अब्रॉड है या तो कहीं एक दूसरे सिटी में है। सो दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन से कि इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, क्योंकि वो जल्दी से मिल नहीं पाते हैं, आइदर बिकॉज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम और आइदर बिकॉज ऑफ द प्लेस, द किलोमीटर्स, एवरीथिंग। तो एक जगह से जब वो इज इन नॉट इन द सेम प्लेस, तो उसे हम एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कहते हैं। जी, ये हो गई कि क्या उसकी अवधारणा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। लोगों के बीच में जो एक आम धारणा होती है, ये मानते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है या ज्यादा दिन तक चल नहीं पाते हैं, कुछ दिन कुछ महीने उनकी लाइफ इतनी ही रहती है और उसके बाद इवेंचुअली उन्हें खत्म ही हो जाना होता है। क्या ये बात, ये जो सोच है, ये कितनी हद तक सही है और क्यों इतना मुश्किल माना जाता है? मेरा थॉट प्रोसेस इसके थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बात ये है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है वो इतना डिफिकल्ट है, जरूरी आई कैन से दैट, क्योंकि वो पार्टनर आपके साथ नहीं है, आप जल्दी आपके पार्टनर को मिल नहीं पाते हैं। जैसे कि कभी आपको एकदम ऐसा अचानक से ऐसा लग रहा है कि आई एम वेरी अपसेट, या तो आज यू नो मेरा मूड थोड़ा सा ठीक नहीं है, और अगर मैं मेरे पार्टनर के साथ एक ड्राइव पे चली जाऊं, या तो उससे मिल के, या तो गार्डन से, या तो रेस्टोरेंट में मिलके बात कर लूं, वो नहीं होगा, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। सो डेफिनेटली एट मोमेंट्स आर देयर व्हेन यू वांट योर पार्टनर टू बी नेक्स्ट टू यू, वो नहीं है तो ये कह के एक थोड़ा सी डिफिकल्टी है। बट द प्लसेस आर ऑल्सो देयर, जिसमें मैं ये कह सकती हूँ कि जब आपका पार्टनर दूर है तो देयर इज अ मोर इमोशनल कनेक्ट देन द फिजिकल कनेक्ट, और इमोशनल कनेक्ट इज मोर यू नो अमेजिंग, क्योंकि जब एक इमोशनल रिश्ता है वो बहुत दूर तक चल सकता है, बिकॉज यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ टू योर पार्टनर वेरी ब्यूटिफुली। तो वो एक इस रिश्ते में एक मजबूती लेके आ सकता है, एंड दैट इज योर इमोशनल कनेक्ट। बट सेइंग एट द सेम टाइम जो आप कहते हैं कि इट फिजल्स आउट, द रीजन इज कि अगर हमें इसको हेल्दी रखना है, इस रिलेशनशिप को हेल्दी रखना है, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट एंड फेथ इन योर पार्टनर। अगर एक फेथ है, एक ट्रस्ट है, तो ये रिलेशनशिप कैन बी अ रियली ब्यूटिफुल वन, बिकॉज एज आई सेड कि इमोशनल कनेक्ट इज ऑन अ वेरी डीपर लेवल। तो कुछ नुकसान है लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसा कि आपने कहा इमोशनल कनेक्ट बहुत ज्यादा लेवल पे हो जाता है अगर हम आप रिश्ते को बचा कर रखना चाहते हैं। हर एक रिश्ते में प्यार, आपसी समझ, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल, कितना आप एक दूसरे को समझते हैं बहुत जरूरी होता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की जब बात करते हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जब हम जानते हैं कि मेरा पार्टनर जो है वो मेरे से बहुत दूर है, तो इस रिश्ते को छोटी छोटी चीजें से हम लोग उसे बहुत अच्छी तरह से इस रिलेशनशिप को बना के रख सकते हैं। जैसे कि आपकी जो सराउंडिंग्स हैं उसके बारे में बात करके,
बिग और स्मॉल इवेंट्स हैं उसको याद रख के उस पार्टनर को भी उसके बारे में बात करके, आप अगर कुछ काम कर रहे हैं या तो आपके कुछ गोल्स हैं तो लेट द पार्टनर नो कि दीज आर माई गोल्स एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ. और सारी चीजें अगर हम बात करते हैं, गेट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस टू हिम और हर, यू नो, इवन दो इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यू कैन ऑलवेज डू दैट. तो ये सारी चीजें अगर रहती है तो इट बिकम्स मोर कंफर्टेबल इन अ रिलेशनशिप. एंड डेफिनेटली टेलिंग द पार्टनर नाउ एंड देन हाउ यू फील अबाउट दिस रिलेशनशिप, हाउ डू यू फील अबाउट द पार्टनर, यू नो कि आपकी सोच क्या है, यू नो. एंड सम डेज देयर विल बी ब्लू डेज, देयर विल बी सम डेज व्हिच आर वेरी हैप्पी. सो ट्राई एंड एक्सप्रेस योर मूड स्विंग या छोटी बड़ी बातें हैं, यू कैन ऑलवेज शेयर इट विद दैट पर्सन, बिकॉज in this relationship the beauty is going to be more on the levels of friendship first and then it becomes on an emotional level and then it just becomes a wonderful relationship overall. jaisa ki aapne bataya ki trust bahut zyada zaruri hai, chahe hum paas mein ho chahe lambi duri ke rishte ho, har tarike ke rishte ke liye trust bahut zaruri hai. इमोशनल कनेक्ट का भी आपने जिक्र किया कि इमोशनल कनेक्ट कितना जरूरी हो जाता है बनाए रखना, तो इसके लिए आप क्या टिप्स देंगी, क्या बताएंगी कि किस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इमोशनली कनेक्ट रहना है हमें अपने पार्टनर से. सो बेसिकली इमोशनल कनेक्ट रखने के लिए हम चीजें कर सकते हैं, जैसे कि टेलिंग द पार्टनर बाय बीइंग ऑनेस्ट एंड बीइंग वेरी फ्रैंक कि आपका दिन कैसे गया है एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर बॉदरिंग यू. जैसे कि मैंने बताया कि एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना है, तो एक अच्छे दोस्त को हम अपनी अच्छी बुरी या जो भी अपने साथ होता है वी लाइक टू शेयर. The same thing यहाँ पे it will happen due to a texting format or अभी with technology being so open and fantastic for all of us. तो जैसे मैंने आपको समझाया कि बहुत अलग अलग तरीके हैं that you can emotionally connect with your partner. There are so many apps, there are so many other ways now you can do video calls and phone calls और आप अपने partner के साथ बात कर सकते हैं. पुराने time में तो सिर्फ यही था कि हम लोग एक letter लिख सकते थे. But now the technology improving so much that we can always keep in touch with the partners by telling them everything and the idea is to be very truthful. ये एक connect इसी level पे मजबूत रहेगा जब when you are honest to yourself and to your partner by telling him all the small nitty-gritties of your life. And another way also is a very beautiful thing is to try and keep on texting, sharing your emotions. That you know when you are feeling high, low, everything, you know, because it is firstly on a level of friendship. Right. So, वो friendship बना के रखनी है आपको, share करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि आप उन्हें समझ सकें, दूसरा आपको समझ सके, तो उसके लिए sharing बहुत ज़रूरी है. आपने जिक्र किया कि आज हमारे साथ technology की वजह से बहुत सारे हमारे पास options होते हैं कि हम share कर सकते हैं, अपनी बातें समझा सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं. पहले के time में ये ऐसा नहीं था, बहुत बड़ा challenge था. तो आज टेक्स्टिंग का माध्यम हो या फिर सोशल मीडिया से जुड़ाव की बात हो या फिर कॉल्स की बात हो, क्या इसमें भी कोई दायरा होता है कि हमें किस लेवल तक टेक्स्ट करना है, किस लेवल तक बातचीत करनी है, या फिर उसमें भी थोड़ी प्राइवेसी देने की जरूरत होती है, उसमें भी सीमा में बांधने की जरूरत लगती है आपको? डेफिनेटली यस. ये इसलिए क्योंकि अगर बहुत ज्यादा टेक्स्टिंग हो जाएगा या तो बहुत ज्यादा बात हो तो देन व्हाट हैपेंस इज कि एक अनप्रोडक्टिविटी आ जाती है आपके लाइफ में, बिकॉज ही और शी इज आइदर वर्किंग या तो आप पढ़ाई कर रहे हो कि जो भी है, तो उसको पूरा डिस्टर्ब करके आपकी पूरी लाइफ का फोकस ये नहीं हो सकता है. इसमें भी थोड़े से लिमिटेशन होते हैं, जैसे कि अगर हमारा फोकस पूरा टाइम एक टेक्स्ट में है तो आपका दिन बहुत अनप्रोडक्टिव हो सकता है. जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो और यू हैव गॉन देयर टू स्टडी, या तो आप कोई काम कर रहे हैं या तो जॉब कर रहे हैं, so your day cannot be focused only on this and you know texting and just you know putting so much of effort on this. Yes, ye bahut important hai, the relationship is extremely important, but as you say, slow and steady wins the race, and when the love has to grow it has to be slowly. So iske andar ye kar sakte hain ki agar if you want to text a person koi alternative day hai ya to agar day or night ka you know difference hai, then you can create one particular day in the week, you know, where both of you can, you know, start chatting or, you know, being on a phone call or a video call, jo bhi hai, you can try and do that, but there has to be something ki ek thoda sa space
होना जरूरी है, देन ओनली कैन द स्पाइस बी देयर, कुछ दूसरे दिन बताने के लिए भी कुछ होना भी तो चाहिए. सो इट इज अ गुड आइडिया टू हैव दिस. और एंड इफ यू फील दैट यू वॉन्ट द पार्टनर टू मच एंड यू आर लॉन्गिंग that you know and you are a person who is very insecure, so aise people ke liye I can say that you know they should write short text, you know, frequently, like asking the person how was your day, you know, have you eaten, or you know, how are things going on, or about something which is very general but not very very long. Right. So aapke rishte mein jo khoobsurti hai use banaye rakhne ke liye ye bahut zaruri hai ki aap इस तरीके का महसूस ना कराएं कि आपको बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, रिश्ता आपको एकदम दम घोट रहा है आपका. आप स्टेज में एक दूसरे को, एक दूसरे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें, ये आपने बहुत अहम बात बताई है. हम किसी भी रिश्ते में देखते हैं कि एक दूसरे को स्पेशल फील कराना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, उस रिश्ते की बेहतरी के लिए अच्छा होता है. आगे फ्लरिश रिश्ता अच्छे से करता है अगर हम एक दूसरे को स्पेशल फील कराते हैं. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में आप क्या बताएंगे, किस तरीके से एक दूसरे को स्पेशल फील कराया जा सकता है? As I said, कि आज हम बहुत लकी है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये रिश्ता इसीलिए है बिकॉज यू एंड योर पार्टनर लव ईच अदर एंड देयर इज अ कॉमन फैक्टर, या तो देयर इज सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन, और यू फील कि ये पार्टनर जो है उसमें वो सारी चीजें हैं विच आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर. सो द गुड आइडिया इज कि यहाँ पे टू शेयर योर इमोशन is going to be very very important. But saying this, you can also make your partner a part of you. Agar dur hai phir bhi, jaise ki you can start playing Ludo, you know, because you can play it from anywhere and two people at simultaneously can do those things. You can make goals together, chahe wo weight loss ka ho, chahe you know it is learning or anything. You can create goals and you know help your partner and help yourself also achieve these goals, because if you are feeling low, the partner will support you and आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम कर सकती हो और आप कर सकते हो, and that makes a very big difference when you have that little bit of push. So you know in the right sense, you know there is not still over pushing, but still feeling कि yes you know there is somebody to guide me, there is somebody you know who's concerned about my emotions, my feelings. Keeping in respect कि वो जो person है उसे ये भी नहीं लगना चाहिए कि this is too much. Keeping all these parameters in mind, this can work wonderfully. You can read books and you can talk to your partner and you know discuss about what he or she feels. If you are into books or reading or literature, you know you can play games also together. There are so many activities now that can be done and formulated like goals and talking to your partner and achieving all of them. तो जैसा कि आपने बताया कि आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम कितना कनेक्टेड फील कर सकते हैं, चाहे हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, लेकिन हम बहुत सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ महसूस कर सकते हैं. ऐसे में अगर रिश्ता काम नहीं कर रहा है तो कैसे, हाउ टू नो दैट द रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग एनी मोर, या फिर हमारा पार्टनर है वो हमारे लिए लॉयल नहीं है, या फिर ही और शी इज लूजिंग इंटरेस्ट, ये कैसे पता चलता है, उसके क्या साइंस होते हैं? सो ऑफकोर्स देर आर सम रेड फ्लैग्स और यू विल बी एबल टू सी दीज रेड फ्लैग्स वेरी सून, बिकॉज एक पैटर्न फॉर्म हो जाता है राइटिंग का. एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग एंड ओनली दैट पर्सन हू इज टेक्सटिंग द पर्सन विल अंडरस्टैंड कि देर इज दिस पैटर्न ऑफ राइटिंग एंड एवरीथिंग. अगर वो पैटर्न चेंज हो गया है, या तो द आंसर्स आर कमिंग इन मोनोसिलेबल, येस नो you know is not making you the priority. If a party is there or another thing is there, it's not making you part of that priority, not allowing you to tell beforehand ki aaj main busy hu, I will not be able to talk to you, not giving you heads up because this is a long distance relationship, so you are not aware if the person is changing a place, your office, your what is happening with him or her in their personal life. Agar ye sari baatein wo karna band kar dete hain and you know you just start feeling that it's becoming very boring, it's no more having those sparks, ya wo sari baatein nahi hai, and somewhere he's ghosted you out for weeks together and you know you've come to know through friends, or suddenly you just feel ki you know what is this, the person is not responding. Jaise ki aapka ek pattern hai of responding, some people respond very quickly in 15 minutes, half an hour, and if you feel ki that pattern is no more, then definitely these are red flags ki the person is losing interest
और द रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू अ डाउनफॉल. रिलेशनशिप डाउनफॉल पे जा रहा है, उसकी ये कुछ साइंस आपने बताए हैं, आप उसे मेंड करने के लिए, उसे वापस ट्रैक पर लाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? आपको लगता है कि ये रिपेयरेबल होता है? अगर आपको दूसरी तरफ से इस तरीके के सिग्नल्स मिल रहे हैं तब भी आप कुछ कर सकते हैं ऐसे रिलेशनशिप को बचाने? डेफिनेटली. सी द ओनली लैंग्वेज अ पर्सन अंडरस्टैंड्स इज लव. हर एक पर्सन को यही है कि वो उस पर्सन का हीरो या हीरोइन हो जाए. सो द इजीएस्ट वे टू टैकल दिस रिलेशनशिप इज लाइक ट्राइंग एंड हैविंग द इमोशनल कनेक्ट. ट्राइंग फिगरिंग आउट कि अगर उसे बात करके पूछे कि डू यू नीड सम स्पेस. ऐसा भी हो सकता है दैट द वर्क इज टू प्रेशराइजिंग और द बॉस इज टेकिंग टू मच ऑफ हिज टाइम और द स्टडीज इफ इज अ स्टूडेंट एंड द स्टडीज आर बिकमिंग टू मच और द एग्जाम्स आर मोर ऑन द हेड. सो अ पर्टिकुलर पर्सन ओनली नोज हिज बेस्ट सिचुएशन. सो द आइडिया टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आपके पार्टनर का क्या सिचुएशन है एट दैट टाइम. So trying and being understanding, trying and being, you know, honest to tell the partner that yes, I need some break, you know, from this pattern or I need some more me time instead of just totally being with you. That's fine. As far as you are ready to communicate, communication is only going to be the key in this particular factor. So trying and keeping that, trying and involving your friends and family members and your whereabouts and everything. So that also makes the relationship beautiful. Because sometimes there are things when a person starts feeling very jealous or insecure. Because knowing that the person is far, is constantly ye thought ek process hota hai, pata nahi, shayad if he's gone with somebody out, either is there somebody else in his life, is it only me? You know, there can be insecurity. And that is quite normal because it's a long distance relationship. But it's all about your partner to keep on reinforcing your thought processes ki how much that person really means to you. So the moment you keep on sending messages telling them ki ye rishte ki khubi ye hai ki I love you for these things, you know, or you motivate me, or you know, these are the wonderful things about you that I'm learning from you, then it always keeps the relationship much going because the person realizes ki you are extremely important in her or his life. अब ऐसे में हम प्यार में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, या हमारा पार्टनर है इज इन लव और नॉट, ये किस तरीके से पता चलता है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द पार्टनर जो है वो आपको उसकी लाइफ का सबसे बड़ा ही विल मेक यू प्रायोरिटी. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ही विल टर्न यू इनटू द बिगेस्ट प्रायोरिटी फर्स्ट. सेकेंडली कि वो जो भी है ही विल शेयर योर एग्जिस्टेंस with his friends and family by telling him that, you know, I have a person, I'm loving this person and the person is far, but giving the person full respect and trusting the person, trying to understand the person. Jaise maine aapko bataya that understanding is going to be the root cause in this kind of a factor when it is absolutely a long distance relationship. And the other thing is that when the person is also very encouraging, jaise ki he or she may not like something, using very positive words, you know, because words are going to be the most important impact in a long distance relationship. So, you know, using that language, and yes, there can be times where you can have a grudge or there can be an anger, but the idea is to mend it very quickly and not to continue this pattern. Us din aapne hi kaha tha, fir aapko gussa aa gaya, abhi aap aisa bol rahe ho. We have to try and think that it was that moment and that moment has passed. And now we are in this present moment and make this present moment a beautiful moment basically by not keeping the past too static. So try and always, you know, talk about things, make very clear conversations about your emotions, your needs, your requirements, so that the partner understands you very well. ये नहीं कि यू आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड फॉर द पार्टनर, बट द पार्टनर कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. सो ट्राइंग एंड हैविंग दोस थिंग्स वेरी क्लियरली सेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, दीज आर द थिंग्स आई लाइक, दीज आर द थिंग्स आई डू नॉट लाइक. यानी कि सबसे पहले आपने बताया कि प्रायोरिटी बहुत जरूरी है कि आप सेट करें और ये महसूस करवाएं अपने पार्टनर को कि आप हमारी प्रायोरिटी हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. और दूसरा, कम्युनिकेशन
क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप कम्युनिकेशन से ही जुड़े होते हैं, तो आप सब कुछ शेयर करें, उन्हें अपना एहसास दिलाएं, अपनी अहमियत का एहसास दिलाएं, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो क्या हम कुछ ग्राउंड रूल्स बना सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को वर्क कराने के लिए या फिर उन्हें लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए? डेफिनेटली, इसमें भी यू कैन सेट वेरी क्लियर बाउंड्रीज, एंड दी बाउंड्रीज हैव टू बी दैट ऑफ कोर्स देयर हैव टू बी कंप्लीट ऑनेस्टी। इट कांट बी कि यू नो यू आर फ्लर्टिंग विद अदर पीपल एंड आप झूठ बोल रहे हो एंड देयर आर व्हाइट लाइज इनटू दिस। वी हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स। वी हैव टू मेक द पार्टनर फील वेरी कंफर्टेबल। सो रिस्पेक्ट, टॉकिंग गुड लैंग्वेज, गुड कंडक्ट एंड बिहेवियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ऑल्सो। And keeping all these in mind, sometimes you even have to understand that he or she may be having his or her own emotional needs or space time or me time, and respect those things and allow that person, you know, to be in that set of frame of mind if he or she is feeling like that. तो ये बहुत important रहेगा, because there are times, you know, where you feel to be alone, you do not want to say anything to the person right now because you yourself are basically recuperating from a situation or from an incident, और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे को थोड़ा कुछ ज्यादा टाइम चाहिए, समय चाहिए। सो इट इज ओके एज फार एज यू अलाउ योर पार्टनर टू अंडरस्टैंड कि दिस इज वॉट आई रिक्वायर राइट नाउ एंड दिस इज माई इमोशनल स्टेट राइट नाउ। So that makes the partner understand you very beautifully, and these are the things how you can set ground rules and definitely see to that when it becomes abusive or when the language becomes too strong, it is a good idea to make it a stop there and inform that this is something which I cannot deal with. तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका पार्टनर का नेचर कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है, आपको आपके रिश्ते को समझना होगा और फिर इस तरीके से आपको कुछ ग्राउंड रूल्स बनाने होंगे ताकि आपका रिश्ता आगे बढ़े। आपने बहुत सारी बातें बताई, अगर समराइज करें सारी चीजों को, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को वर्कबल बनाने के लिए किस तरीके से क्या क्या टिप्स आप देंगे और क्या नहीं करना चाहिए इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए, क्या कहेंगे आप? तो इसको ऐसे हम लोग समराइज कर सकते हैं कि ईच पर्सन इज वेरी वेरी डिफरेंट। वी हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि उसके मूड स्विंग्स क्या है, उसका टेम्परमेंट क्या है। जैसे आपने बताया है दैट ईच पर्सन इज डिफरेंटली मेड, सो टू ट्राई एंड फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट द बेस ऑफ द रिलेशनशिप स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेंडशिप फर्स्ट एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड योर पार्टनर एज अ फ्रेंड। बिकॉज वेन देर आर टू मेनी एक्सपेक्टेशंस, especially when you know that the person is far or wo aapse bahut dur hai, this becomes very difficult and then you know you are not being able to withstand that pressure aur kahin na kahin ye toot jata hai. So keeping in mind ki ye long distance hai, we have to run this through together to have that thought ki we are in this together, ye bahut important hai. Aur ye soch ke sath you have to keep on reinforcing your patterns of love, your love language, by telling and expressing your partner how much this relationship means to you, and writing and texting to the person, as I said, make it short, make it nice, let it be on a regular basis, or if the distance is too far or the time difference is a lot, give it one special day and try and devote that time, make that person your priority, tell that person everything about your life, be very open, be very frank. To let the person know that, you know, how are you feeling, you know, share pictures about your surroundings, where have you been, what is happening, your happy moments, your sad moments, sari jo choti choti baatein hain, you know, let that person feel ki he or she is with you in those moments, because these are the small little things which will create a larger and a beautiful bigger picture. मैम, आपने आज हमारे दर्शकों को इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, किस तरीके से काम करना है, क्या नहीं करना है, कैसे अपने पार्टनर को समझना है और इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाना है, मजबूत बनाना है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म।